हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ये शादी वाला व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये ना मतलब कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हल्दी वाले दिन का और इवन ना नेक्स्ट मतलब बारात जाने के सुबह तक का वीडियो था, मतलब कि दोपहर तक का। और अभी ये ना मतलब यहाँ पे जो मेरा भाई खा रहा था, तो इसे ना मतलब कुंवारापन उतरने से पहले, मतलब कि अब तो शादी हो जाएगी तो वो कुंवारापन उतारा जाता है, और उसके बाद उसका नहाना हो गया, नहवावन जैसे कहते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे एक कपड़ा पहनने की रस्म हो रही थी, जो भाई और सॉरी बहन और बहनोई करते हैं। तो जीजा जी उधर पीछे खड़े थे, मतलब मेरे हस्बैंड, और मैं यहाँ पे उसे कपड़े पहना रही थी। वो बटन इतना टाइट था शेरवानी का कि लग नहीं रहा था, तो मुझे बोला छोड़ो छोड़ो मैं ही कर लूँगा। तो ये हम लोग बोले ठीक है भाई तुम कर लो, तो बोला ठीक है इसके जो मतलब नेग मिलता है ना वो हम लोग नहीं देंगे, तुम पहना नहीं रही हो मैं ही पहन रहा हूँ। तो यहाँ पर अब वो पहन कर रेडी हो गया था, और उसके बाद उसके पैरों में ना रंग लगाने की रस्म थी। तो वो हजामिन मतलब कि ठाकुराइन वो यहाँ पे उसके पैर को कलर करेगी, और उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। नीचे भी कुछ रस्म होनी बाकी है, और वहाँ हो करके और परिछावन हम लोग कहते हैं वो होगा, और उसके बाद गाड़ी नीचे रेडी है, उसके बाद फिर बारात निकलेगी। तो यहाँ पर उसे टीका करना और काजल करने की, तो काला टीका भी उसे लगाया जा रहा था। यहाँ पर मैं उसे पगड़ी सहरा पहनाते हुए, और यह सहरा क्या हो रहा था मतलब थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा था अच्छे से। तो फिर हम दोनों मिलके मतलब कुछ ना कुछ उसमें किए, और उसके बाद फिर हम लोग उसे पहना दिए। और उसके बाद ना ये इमली घोटाई की रस्म होती है जो मामा कराते हैं, तो वो मेरे छोटे मामा रस्म करवाते हुए, और मम्मी पीछे बैठी हुई थी। ये कुछ रस्म होता है मतलब कि लड़का या लड़की दोनों शादी में ना लड़का और लड़की जो भी है आगे बैठते हैं, और पीछे मम्मी बैठती हैं और मामा ये रस्म कराते हैं। वो हो गया था, और अभी ये चुमावन था जो भाभी मतलब कर रही थी, क्योंकि अभी अब हम लोगों को नीचे उतरना है और बारात निकलनी बाकी है। तो ये बाकी सब लोग मतलब पांच लोग होता है ना कि पांच लोग रसम कर लेंगे फटाफट फटाफट, तो वही जल्दी जल्दी हो रहा था, तो हम लोग पांच लोग मिलके सब लोग कर लिए थे। इधर आप देख रहे हैं गाड़ी से लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये पूरा सेट हो गया था, इतना खूबसूरत दिख रहा था क्या बताएं। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक का, और अभी आपको इसमें दिखाएंगे कि स्टेज का सब रेडी हो गया है जयमाल के लिए, क्योंकि बारात ऑन द वे थी। और हम लोग में से जैसा होता है ना फैमिली वाले, हम लोग कुछ लोग थोड़े लोग पहले पहुँच गए थे, और बारात फिर से लगाई जाएगी दरवाजे पर आ करके। तो यहाँ पर पंडित जी लोग भी मतलब भैया के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और ये स्टेज कम्प्लीटली रेडी था, बस इंतज़ार था तो लड़का और लड़की का, मतलब कि जो चीफ गेस्ट है आज के। तो यहाँ पर पंडित जी लोग का डिस्कशन था, और ये लोग सामान लेकर भी बैठे थे, जो द्वार पूजा होती है ना तो वो यहाँ पर होनी थी, क्योंकि वेन्यू के अंदर ही बारात तो यहीं आएगी इसलिए। और अभी ये देखिए खाने की तरफ कर रही हूँ। Thank you.
तक आप देखिए द रॉयल गार्डन जो गोला रोड पर पटना में बना हुआ है, और इधर वो डिस्प्ले में पॉलमी वेट्स राजेश लगा हुआ था, और डेट था 10 मई 2023। ये अंदर का इसकी एंट्री है, यहाँ पर देखिए मतलब ना डेकोरेशन भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छी की थी, मतलब बहुत पसंद आया था, सभी लोग कह रहे थे। और यहाँ एंट्री पर जैसा कि होता है सबसे पहले गणेश जी रैंडम पिक्स ले, सब लोग उनका आशीर्वाद भी ले रहे थे, सब लोग फोटोज भी ले रहे थे गणेश जी को देख। ये था हम सबका डांस, इतना डांस आज तक नहीं हुआ था। और यहाँ पर ना बारात अब आने वाली थी, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ देखिए बारात में लोगों के गले में माला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगता तो मतलब इतना बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया ये ना। और बहुत सारे मुझे लगते हैं सब लोग मतलब डांस करते हैं, हम चेहरे आपको दिख ही रहेंगे सब पसीने से, ऊपर से नीचे तक मिले जितनी बच्ची ना हो जितनी गर्मी थी, कितनी आगे जितनी गर्मी है उसको कितनी गर्मी तो नहीं, तो सब लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। और यहाँ पर बाकी सब यहाँ लोग ना मतलब डांस करने के बाद सब लोग थक गए थे, सब हल्के अंदर आ करके बैठ गए थे। और सब जैसे कि फाइनली होता है कि हम किसी भी शादी में जाएँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि जयमाला वरमाला कब होगी, कब लड़का लड़की आएंगे और कब लोग देखेंगे बोलेंगे कि जोड़ी कैसी है। तो इधर सब लोग आप देख ही रहे हैं हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे, इन्हें लड़की वाले की तरफ के भी उधर से बैठे हुए थे, और ये सब हमारे घर के फुआ चाची दादी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, सबको तो मैंने बता सकता। तो ये सब लोग बस नाश्ता करके उनका स्टार्टर वो चलते हैं बाहर ही खा लिया था, और पहले वीडियो में देख चुके हैं, उसके बाद सब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़का लड़की आए और जयमाला शुरू हो जाए, और फिर हम लोग देखें क्योंकि जयमाला के बाद ही रिसेप्शन था, तो थोड़ी देर फोटो सेशन भी थी, और
रिसेप्शन का भी जो सोच कर आए थे तो ऐसा होता है गिफ्ट का भी लेना। तो यहाँ पर फाइनली इंतज़ार ख़त्म और लड़की को लेकर के हम लोग सब आ रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक लड़की जितनी घबराती है जमाने को समझ गया है और उन्हें कभी वैसा ही हाल था क्योंकि सबकी नजर उसमें सिर्फ तुल्हन पर ही होती है। तो हम लोग के साथ भी लोग जो देख रहे हैं वो भी अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं कि हम भी कभी इस तौर से गुजरे। तो ये मोमेंट भी काफ़ी स्पेशल और थोड़ा सा ना एक घबराहट होती है जयमाला हो गया और खाना पीना भी हो गया। उसके बाद अब शादी का नंबर आता है। तो अब यहाँ पे ना लड़की का भाई लड़के को मतलब गले में एक कपड़ा डाल के और उसे घुमा के मड़वा में लेकर आता है। ये रस्म होती है। और उसके बाद यहाँ पे मंडप में सब कुछ रेडी था और अभी सबसे पहली रस्म होगी ना मतलब लड़की का हमारे यहाँ मतलब बोलते हैं मंझक्का नहीं बरनेत मतलब जिसमें गहने चढ़ाए जाते हैं। तो ये काम करता है भैंसुर मतलब लड़के का बड़ा भाई। तो यहाँ पर भैया ये सब कुछ करते हुए आप देख रहे हैं पहले गहना और उसके बाद ना फिर साड़ी मतलब गहना में जो भी मतलब ज्वेलरी में गोल्ड सिल्वर जो भी होता है सब अभी चढ़ाया जाता है। और यही पहली बार होता है कि भैंसुर एक ही बार अपनी मतलब छोटे भाई की बीवी को छूता है। वही टच करने का वही एक नियम होता है और उसके बाद दोबारा फिर कभी नहीं। और ये अब यहाँ पर लड़का मतलब मंडप में आ गया है। लड़की के मम्मी पापा भी आ गए हैं आगे की रस्म के लिए। अब शादी की विधि शुरू होगी और अब फाइनली जिसका इंतज़ार होता है शादी में कन्यादान का। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं चाहे कभी भी किसी की भी शादी हो ये कन्यादान का माहौल देख करके ना हर किसी के आँख में आंसू आ ही जाते हैं और हर कोई अपनी शादी को याद करने लगता है। तो ये मोमेंट ही एक ऐसा होता है ना कि नहीं चाहते हुए भी इंसान की आँखों में ना अपनी शादी याद करके आँख में आंसू आ जाते हैं कि कैसे मेरा भी कभी कन्यादान हुआ था। तो ये कन्यादान की रस्म हो रही थी। यहाँ पे लड़के के भाई मम्मी पापा सब कन्यादान की रस्म को निभाते हुए और मतलब पीछे से आप सुन सकते हैं मतलब जो भी गांव वाले लोग थे वो शादी के गीत गा रहे थे। और ये मतलब ख़त्म ही होने वाला था मतलब कन्यादान की रस्म अब लास्ट ही था। उसके बाद ये लावा मिलाई का रस्म हो जाता है। तो यहाँ पर उनके धान मिलाई जाती है जैसे लड़का लड़की मतलब लड़की आगे होती है लड़का पीछे होता है। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक हर किसी के घर में ऐसी रस्म होती है। तो ये हो रहा था और उसके बाद बस अब था ये क्या बोलते हैं सिंदूरदान का। तो इसके बाद सिर्फ
सिंधुदान होना बाकी था, और उसके बाद ना विदाई भी थोड़ी जल्दी करानी थी, क्योंकि ना दिन थर्सडे था, मतलब हमारे घर का कुलमान होता है, तो सूर्योदय होने से पहले ही लड़की की विदाई हो जानी थी। तो इसीलिए अब मतलब सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी में कराया जा रहा था ताकि सनराइज ना हो। तो अब ये सिंदूरदान की रस्म आ गई थी, हम दोनों यहाँ से पकड़े हुए थे, आगे से पल्ला किया जाता है ताकि दूसरे लोग ना, मतलब सब लोग ना देखें, और यहाँ पर सिंदूरदान आप देख ही रहे हैं। और शादी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। और इसके बाद अब पंडित जी ने कहा कि अंगूठे से लेकर नाक पर से उसे सिंदूर लगा, और ये सिंदूरा जिसे कहा जाता है ये उसके हाथ में, मतलब लड़की के हाथ में पकड़ाया जाता है। और यहाँ पर अब हम लोग, मतलब बाकी जितने भी लोग थे ना, सब लोग अब मतलब ये भाई पहले जब अंगूठे से लगा दिया, उसके बाद हम सब लोग देखिए यहाँ पे, उसके बाद मंगलसूत्र से पहनाया जाना था, तो उसके ना मतलब जूड़े की वजह से थोड़ा, तो फिर खोल के उसे पहनाया गया। और यहाँ पर अब ना वो जगह चेंज हो जाता है, मतलब कि लड़की के लेफ्ट हैंड साइड में लड़का बैठता है और लड़के के राइट साइड में लड़की, ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये चुमावन की विधि हो रही थी, क्योंकि सिंदूरदान अब हो गया था। तो ये चुमावन करने के बाद ना अब आगे, मतलब इसके बाद विदाई ही रह गया था, और फिर सात फेरों के साथ वचन, पंडित जी वचन सुनाएंगे। और उसके बाद ना लास्ट में होता है हमारे यहाँ मंझक्का। मंझक्का का मतलब होता है ना कि ससुर सर पे पल्लू देते हैं और लड़का उस पल्लू को हटाता है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ भी ऐसी रस्म होती है क्या, कि सिर्फ हमारे यहाँ होती है। तो वो साड़ी का पल्लू दिया जाता है और फिर लड़का उसे हटाता जाता है, 5 बार ये किया जाता है। तो पापा की जगह आप तो जानते ही हैं, तो ये बड़े पापा मेरे वही ये रस्म कर रहे थे, क्योंकि घर का सबसे बड़ा ही ये रस्म कर सकता है। और अब ये विदाई, और आपको भी पता है कि विदाई का सीन देखने के बाद सबकी हालत क्या हो जाती है। तो ये मोमेंट ही ऐसा था, बाकी सब लोग, क्या लड़का क्या लड़की, सब रोने लगते हैं। तो ये मोमेंट काफ़ी, मैं भी नहीं बता पा रही कैसा होता है, आप लोग भी फील कर रहे होंगे इस मोमेंट को। बाकी सभी लोग यहाँ पे खोइचा दे दिया गया था, खोइचा पकड़ के सबसे, भाई ये लड़की के भाई हैं, आप देख ही रही हैं। तो घर आने के बाद भी पौलमी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और इधर ना मतलब ये सब भी चल रहा था और सब लोग हल्ला कर रहे थे, जल्दी करो कहीं सनराइज ना हो जाए। तो उसके बाद दोनों को निकाला जा रहा था कि तुम लोग जल्दी जल्दी अब निकलो, क्योंकि लेट, अब ये घर भरने की रस्म होती है, मतलब कि लड़की अपने माँ बाप माँ पिता का घर भर के जाती है कि उनके घर में भी सब कुछ अच्छा रहे, हमेशा भरा पूरा परिवार रहे। तो उसके लिए समझाया जा रहा था कि कैसे इन दोनों को फेंकना है पीछे की तरफ से, पूरा हाथ उठा के तेज करके, कि मतलब ऊपर तक टच होना चाहिए। उसके बाद ये विदाई के लिए ये दोनों आगे निकलते हुए, और बाहर गाड़ी खड़ी हो गई थी, तो ये लोग अभी हॉल से बाहर निकल रहे थे, और इधर ग्राउंड में हम लोग सब पीछे पीछे, क्योंकि गाड़ी के साथ हम लोग कुछ लोग ही अभी जाने वाले थे, मैं उसी गाड़ी में जाती क्योंकि जिया सो गई थी। उसके बाद ये हम लोग बाहर निकल गए, ग्राउंड थे बाहर, गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी में जो ज़रूरी सामान था वो सब रखा जा रहा था तब तक, कि फटाफट ये लोग आए और सब गाड़ी में रख करके फिर हम लोग निकल जाए। तो गाइस आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने कितनी कोशिश की है वीडियो को, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स थे इन सबको लेकर के मैंने बनाई है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग मुझे अप्रिशिएट कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आई होप मुझे लगेगा कि ये ना मुझे अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो आप लोग का अप्रिशिएशन मुझे ज़रूर चाहिए। मैं आगे भी वीडियोस दिखाऊंगी विदाई के बाद वाले, क्योंकि एक ही वीडियो में डालना इतना पॉसिबल था नहीं, इतने सारे बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि लड़की हमारे घर उतरती कैसी है, तो देखिएगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपडेट रहिए, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि लड़की कैसे उतरती है। चलिए मिलते हैं, बाय नेक्स्ट।